2019 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में आम जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में हर तबके के लिए राहत की बौछार हो सकती है। छोटे कारोबारियों को मिलेगी सौगात। जीएसटी काउंसिल सर्विस सेक्टर और छोटे मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत दे सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी थ्रेशहोल्ड की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तैयारी कर रही है। इससे 60 लाख छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल 20 लाख रुपए टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। हालांकि सरकार को इससे करीब 5,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। छोटे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी है। इसे 1.5 करोड़ तक बढ़ाने पर मोहर लग सकती है। सबसे पहला पहली अनुशंसा तो ये की गई है कि अभी कंपोजिशन स्कीम में 1 करोड़ तक जो टर्नओवर वाले व्यापारी वो शामिल थे और उनको केवल 1% टैक्स देना होता था, अब इस 1 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया जा रहा है। यानी 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है वो केवल 1% टैक्स जमा करेंगे और अब उनको 3 महीने पर रिटर्न फाइल नहीं करना होगा बल्कि एनुअल रिटर्न यानी साल में एक बार वो रिटर्न फाइल कर सकेंगे। दूसरा कि जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सेवा प्रदान करते हैं तो उनके लिए कोई और कंपोजिशन स्कीम नहीं थी, तो 50 लाख तक जिनका टर्नओवर है उनके लिए एक नई कंपोजिशन स्कीम और वो 5% कर का भुगतान कर सके, ये हम लोगों ने अनुशंसा की है। और साथ ही जो छोटे दुकानदार व्यापारी हैं 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उनको मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा, तो आज उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई और सभी 1.5 करोड़ वालों को और क्रमबद्ध तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जा सकता है। सर्विस सेक्टर को राहत। सर्विस सेक्टर को भी कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा देने की तैयारी की जा रही है। 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा मिल सकता है। वहीं स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5% फ्लैट जीएसटी लागू करने पर प्रस्ताव की मोहर लग सकती है। हालांकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। होम बायर्स के लिए खुशखबरी। इसके अलावा होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी खुशखबरी आ सकती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी को 12% स्लैब से घटाकर 5% किया जा सकता है। हालांकि डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। सीमेंट के दाम पर जीएसटी घटाने के विचार को इस बैठक में भी टाला जा सकता है। अगर ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होता है कि जो 12% जीएसटी लगता है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर वो 5% लगेगा तो बड़ी स्वागत योग्य है और इससे करीबन 3.5 लाख से 5 लाख रुपए सस्ते मकान हो जाएंगे जो ओवरऑल कॉस्ट ग्राहक को पड़ती है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान नहीं बिक रहे हैं उनमें बहुत तेज़ी आएगी और तेज़ी आने के बाद इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोग्रेस जो उसके अंदर इस समय क्राइसिस है वो क्राइसिस दूर होगा। छोटे कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने के मामले में भी बड़ी छूट मिलने के आसार हैं। जीएसटी काउंसिल अब तिमाही के बजाय सालाना रिटर्न फाइल करने की मंजूरी दे सकती है। हालांकि कारोबारियों को टैक्स तिमाही आधार पर ही भरना होगा। ईवे बिल के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आरएफआईडी तकनीक का इस्तेमाल करने पर भी सहमति बनाई जा सकती है। आरएफआईडी डाटा को ईवे बिल सर्वर के साथ शेयर करने पर चर्चा हो सकती है। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन में कमाई उम्मीद से कम रही थी। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन करीब 3,000 करोड़ रुपए कम रहा। ऐसे में जीएसटी से कमाई बढ़ाने के लिए सरकार लॉटरी पर जीएसटी रेट बढ़ा सकती है। राज्य सरकारों की लॉटरी पर जीएसटी रेट 28% किया जा सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन इस बार जीएसटी काउंसिल आम आदमी और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है।